दोस्तों मैं सिलाई के वीडियो कैसे शूट करता हूँ वो चीज दिखाने वाला हूँ डिटेल्स में, कहाँ पे जो है स्टेन लगाता हूँ या स्टेन नहीं लगाता हूँ, क्या क्या सेटिंग है और कैसे कटिंग करता हूँ, उसमें क्या करना रहता है, हर चीज दिखाने वाले हैं। तो चलिए आप सभी को दिखाते हैं अच्छे तरीके से। देखिए ये रहा मेरा काउंटर, देख सकते हो ठीक है, और यहाँ पे स्टेन आपको दिखता होगा, एक स्टेन जो है ऊपर देखिए, यहाँ पे एक स्टेन, ये देखिए एक स्टेन है ठीक है, ऊपर देख किस तरीके से बहाने हुए हैं। और यहाँ पे मोबाइल जो है आसानी से आ जाता है, और कभी कभी इसमें भी हम शूट कर लेते हैं, और इसको हम एक्स्ट्रा रखे हैं ब्लॉग व्लॉग वहाँ रख के, और उसे ब्लॉग बन जाएगा आसानी से। और वो रह गया बोया M1 माइक, और ये देखिए यहीं पे जो दूसरा रूम था मेरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था कस्टमर के लिए, तो मैंने ये डेस्कटॉप को भी यहाँ ला दिया अपलोड करने के लिए वीडियो को। और आप देख सकते हो ये मशीन हो गया और डेस्कटॉप हो गया, आराम से दोनों काम हो जाता है। और रही बात आगे की, तो आप लोग अगर चाहते हो, जो दर्जी है अगर देखना देख रहा है, अगर वो चाहता है इस तरीके की वीडियो शूट करने के लिए, तो आप पूरा सेटिंग देख लिए, क्योंकि मेन चैनल में जो है मेरा कमेंट आता था, तो मैंने सोचा कि बता ही दूँ ठीक है, जो चाहता है वो कर सकता है। बट वो अपने काम के अनुसार, अगर अच्छा खासा दुकान चल रहा हो और यूट्यूब में अगर उजरा जाएगा, तो अभी तो अर्निंग उतना होगा नहीं, हो सकता है कि वो फ्रस्ट्रेशन भी हो जाए, तो सब देखते हुए भाई करना, ये नहीं कि दाम भाई ने बोला हमने शुरू कर दिया ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को शूट करता हूँ, यहाँ पे मोबाइल होल्डर को फंसाता हूँ ठीक है, और इसको जो है वहाँ फंसाऊंगा, या नहीं तो साहेब हमारे कैमरामैन जो है ये चाचा का लड़का है ये शूट करेगा, और साहेब तो अपना शॉट बना रहे हैं तो उसमें बिजी हैं। तो चलिए फिलहाल आपको दिखाता हूँ किस तरीके से शूट करता हूँ, किस तरीके से बोलता हूँ, साउंड को कैसे उसमें इफेक्ट देता हूँ ठीक है। तो चलिए आप सभी को दिखाते हूँ अच्छे तरीके से। ये देखिए मोबाइल जो है सेट कर दिए, अब मोबाइल का जो कैमरा है ना, ये आपको जो एरिया है जितना दूर में कटिंग करना है वो पूरा एरिया आना चाहिए ठीक है, फिर जो है आप कटिंग कर पाओगे। अगर पूरा यहाँ का शूट हो रहा है, यहाँ का नहीं हो रहा है, फिर कैसे दिखाओगे, तो पूरा एरिया आना चाहिए। इसके बाद जो ये फैन है ठीक है, फैन को जो है बंद कर देना पड़ता है ताकि कोई भी नॉइस ना आए ठीक है, बिल्कुल शांति से इसमें साउंड जाए। बट आप सब देखते हो कभी कभी गाड़ी का आवाज़ आता है, तो ये रहा रोड ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा ट्रक चलता है इस रोड में, इसलिए जो है साउंड आते रहता है, जैसे कि आप देख सकते हो ये ट्रैक्टर जा रहा है ठीक है, तो इसलिए साउंड आते रहता है, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, इसीलिए जो है शीशा लगाए हुए हैं ताकि साउंड अंदर ना आए। और साउंड बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बहुत कम साउंड आता है, बट होता क्या है ना कि जो पिंक वगैरह है, जो सीटी वगैरह है, वो तो आएगा ही आएगा भाई, क्योंकि उसका साउंड इतना तगड़ा होता है, किसी से रोकने वाला हुआ है नहीं साउंड, तो इसी ऐसा ही वीडियो शूट होता है। तो हमें उम्मीद है कि आप सब जो है सीख गए होंगे कि कैसे जो है हम कटिंग का वीडियो शूट करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो ये कैसा रहा जो मैं कंटिन्यू ब्लॉग किया हूँ। और इससे रिलेटेड अभी जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, दुकान में रहूँगा तो दुकान का जो भी कारनामे हैं, कस्टमर कैसे आते हैं जाते हैं, कैसे बात होता है उनसे, मैं कैसे ऑर्डर बुक करता हूँ, हर चीज़ दिखाने वाला हूँ इससे ठीक है। उसके बाद जो है अपना लाइफ स्टाइल भी दिखाऊंगा, तो बने रहिएगा मेरे, और ऐसे इंटरेस्टेड है मेरे ब्लॉग से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।